नमस्कार, मैं हूं रेहा सिंह और आपका स्वागत है हमारे इस खास स्पेशल शो में जिसका नाम है खबरें सोशल मीडिया से। आज हम उस लम्हे से परिचित कराने जा रहे हैं जिसे शायद ही कोई मोदी प्रेमी सपने में भी सोचे। हमारी इस स्टोरी का मकसद ही आंखें खोलना है। अब ये डिपेंड करता है कि आंखें किसकी खुलेंगी, मोदी प्रेमियों की या फिर मोदी विरोधियों की। जी हाँ, हम आपको ऐसे पल से परिचित कराने जा रहे हैं जब नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए हैं या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आप इस खबर को जी भर कर शेयर करें क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर जब मोदी इस्तीफा देंगे उसके बाद देश में कैसे हालात बनेंगे या फिर कहें कि देश का कैसा हाल होगा। आपसे हम फिर अनुरोध करते हैं, अगर इस खबर को यदि आप देख रहे हैं तो प्रॉमिस करें कि एक वादा करें कि यह खबर केवल आपके फोन में नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे आप आगे भी शेयर करें। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज ओनली न्यूज 24x7 अपने दर्शकों को दिखाना चाहता है कि यदि मोदी नहीं हुए तो क्या होगा। हम आपके सामने कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं कि यदि मोदी नहीं हुए तो कैसे हालात बनेंगे, क्या सब कुछ सही हो जाएगा। जी हाँ, सोचिए अगर श्री नरेंद्र मोदी 2019 का चुनाव हार जाएं तब क्या हो सकता है। बहुत से लोग रात दिन यही दुआ करते हैं कि नरेंद्र मोदी 2019 का चुनाव हार जाएं। मुझसे भी कई लोगों ने पूछा कि क्या होगा अगर मोदी 2019 का चुनाव हार जाएं। तो मैंने जवाब दिया, ज्यादा कुछ नहीं, बस यह देश अचानक से सहिष्णु बन जाएगा। कपड़े पर GST हट जाएगी, सेना की हर खरीदी में मैडम का 50% कमीशन होगा, आमिर खान, उनकी पत्नी और अंसारी जैसे लोगों को यह देश फिर से सुरक्षित नजर आने लगेगा। देश में उन लोगों को सरकार में महत्वपूर्ण पद मिलेगा जो खूनी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी होंगे। कश्मीर में फिर से अलगाववादी और जेहादी ताकतें मजबूत होंगी। पाकिस्तान एक बार फिर से अपना प्रोपेगंडा मजबूत करेगा क्योंकि सरकार के लोग जो वहाँ मोदी जी को हटाने की भीख मांगने गए थे वो पाकिस्तान की नमक हलाली करेंगे। लव जिहाद और हलाला संघ, तीन तलाक पूरी तरह से कानूनी बन जाएगा। ममता बनर्जी बंगाल को पूरी तरह से बांग्लादेशी मुसलमानों के हाथ में देकर जन्नत के लिए प्रस्थान कर जाएंगी। एक ऐसा आदमी हमारा प्रधानमंत्री बनेगा जो पूरी दुनिया में मजाक का पात्र बनेगा, जिसे लोग देहाती औरत कहेंगे। रॉबर्ट वाड्रा पूरे हरियाणा को खरीद लेगा। देश में एक से एक बड़े घोटाले होंगे जो पिछले 70 सालों के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अवार्ड वापसी वाली गैंग के अवार्ड वापस दे दिए जाएंगे और कुछ को तो पद्मश्री भी मिलेगा। हर योजना में गांधी परिवार और नेहरू का नाम होगा। न्यूज चैनल नए नए स्कैम की TRP से भर जाएंगे। मोदी गुजरात वापस चले जाएंगे जहां उनकी जनता उनको फिर से गुजरात का CM बना देगी क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी ही उनका विकास कर सकते हैं। स्किल इंडिया प्लान स्कैम इंडिया प्लान बन जाएगा। आतंकवादी हमले फिर से बढ़ जाएंगे जहां देश की सेना को हमला करने की इजाजत के लिए 5 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। मीडिया योगी के पीछे पड़ जाएगी जैसे वो मोदी के पीछे पड़ी थी UPA सरकार के दौरान। हर साल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर 2 योजनाएं लॉन्च होंगी। नॉर्थ ईस्ट को पहले की तरह कभी केंद्र से मदद नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल को राजनीति का मसीहा घोषित कर दिया जाएगा। देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक होगा। लोगों को यह एहसास होगा कि उन्होंने गलती कर दी मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और मोदी वो अपना बचा हुआ जीवन इस सुकून में बिताएंगे कि कम से कम मैंने कोशिश तो की थी। पर हिंदू इतना स्वार्थी और स्वाभिमानहीन है कि पैसे के लिए अपने देश तो क्या अपने जमीर को भी बेच देगा। इस पोस्ट को इतना शेयर करो कि हर देशभक्त के पास ये पहुँचे जो 2019 में मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। तो देखा आपने इस खबर में कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से हट जाते हैं तो देश का क्या हाल हो जाएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ओनली न्यूज 24x7 सच की तह तक।